कृषि सुधार कानून जो आजकल पूरे देश भर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, उसमें कुछ चीजों को लेकर के मैं अपनी बात आपके समक्ष कहना चाहता हूं। एक तो यह आंदोलन जो लोग कह रहे हैं किसान हित में है, जो लोग इस आंदोलन में शामिल है, मैं इसे विपरीत समझता हूं कि ये आंदोलन किसान हित के लिए नहीं है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये एक विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के खिलाफ, एनडीए की गवर्नमेंट के खिलाफ, ऐसे एक नहीं अनेक वाक्य ऐसे हुए, ऐसे दौर हुए जब देश भर में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्ष में हैं, कांग्रेस के अलावा दूसरी कम्युनिस्ट हैं, चाहे वो दूसरे और दल हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है नरेंद्र भाई मोदी। हम कैसे रोकें, कैसे हम एनडीए की सरकार को कटघरे में खड़ा करें, उस दृष्टि से एक नहीं अनेक प्रयत्न प्रयास आज से पहले भी हुए और एक प्रयास जो है ये नया प्रयास इन दिनों में करने की कोशिश है। जितने भी दल इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, हालांकि जो जितने में इसमें जो किसान से संबंधित जो भी संगठन है, उन सभी संगठनों ने एक बात कही थी कि हम किसी भी राजनीतिक दल को या राजनीतिक नेता के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। लेकिन जो राजनीतिक दल है उनको यह लग रहा है कि हमारे पास राजनीतिक जमीन रही नहीं और ये एकमात्र एक इस वक्त हमारे पास एक अवसर है, इस अवसर का हमको लाभ लेना चाहिए। और उस दृष्टि से इस आंदोलन का समर्थन करने की दिशा में आगे बढ़कर के वो अपनी हाजिरी लगाना चाह रहे हैं। मैं एक बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त भी यूपीए की गवर्नमेंट और मनमोहन सिंह जी और राहुल गांधी जी और उनके साथ समर्थन करने वाले अन्य दल भी इस कानून का समर्थन करने की बात एक बार नहीं, अलग अलग समय में कई बार कर चुके हैं। मैं उन सारी चीजों को आपके समक्ष यहां रखना चाहूंगा। जब मनमोहन सिंह जी की यूपीए की सरकार थी और जो उसमें पार्टियां शामिल थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, डीएमके, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, लेफ्ट के दोनों और उसके साथ टीएमसी, कई राजनीतिक दल थे और उस दौरान इन सभी पार्टियों के लोगों ने इस किसान बिल को लेकर के अपना समर्थन दिया था, यूपीए की गवर्नमेंट का जिक्र कर रहा हूं मैं। और आज यह सब पार्टियां कांग्रेस के साथ मिल करके उसका विरोध कर रही है, इससे बड़ी हास्यास्पद स्थिति और इससे बड़ी विचित्र परिस्थिति जो है हो नहीं सकती है। और आज जो ये पार्टियां जब विश्वास खो चुकी हैं, रीजनल पार्टीज थी वो अपनी जगह वहां पर समाप्त हो गई, कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में समाप्त हो गई, और ऐसी सूरत में किसान के कंधे पर बंदूक रख करके ये प्रयास कर रही है कि हम इसमें से कुछ ना कुछ जो है लाभ निकालने की कोशिश करें। किसान आंदोलन से
जो जुड़े हुए नेताओं ने प्रारंभ से ही कहा था कि इसमें पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एंटर नहीं करेंगी, जैसे मैंने पहले भी कहा। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा इस आंदोलन ने एक स्वरूप लिया है और उस स्वरूप को देखते हुए कि इसमें से हमको कुछ राजनीतिक लाभ निकल पाएगा, क्योंकि ऐसे तो हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी हाजिरी, हमारी उपस्थिति जो है वो कहीं भी दिख नहीं रही है, ऐसी सूरत में वो इस आंदोलन में कूद करके जो अपने सहयोग की बात कह रहे हैं। मित्रों, जो कांग्रेस पार्टी आज इस बहुत ज्यादा इस आंदोलन को लेकर के अपने समर्थन की बात कह रही है, उसी कांग्रेस पार्टी ने 2019 के अपने घोषणा पत्र में जो है वो ये बात उन्हें मुख्य रूप से कही थी। और उनके घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा था कि कांग्रेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट को निरस्त कर देगी और कृषि उत्पादों के व्यापार की व्यवस्था करेगी, जिसमें निर्यात और अंतर राज्य व्यापार भी शामिल होगा, जो सभी प्रतिबंधों से मुक्त होगा। उनका यह घोषणा पत्र अब भी उनकी वेबसाइट पर है, जिसको आप देख सकते हैं। और ये बातें उनके मैनिफेस्टो में पेज नंबर 17 पॉइंट नंबर 11 अभी भी आप लोग देखेंगे, अगर कांग्रेस पार्टी का अगर मैनिफेस्टो देखेंगे 2019 का लोकसभा चुनाव का, उसमें इस बात का जिक्र है। और आज वही पार्टी जाकर के किस प्रकार से इस आंदोलन में किसानों को उकसाने का, उनको बरगलाने का, उनको गुमराह करने का प्रयत्न कर रही है, प्रयास कर रही है। 27 दिसंबर 2013 को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो है राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कांग्रेस शासित राज्य एपीएमसी एक्ट के तहत फलों और सब्जियों को डीलिस्ट करेंगे ताकि उनके दाम कम किया जा सके। और जब आज हमारी सरकार जो है ये कानून ला करके ये कर दिया जो, और उल्टा किसानों को अब भड़काने की बातें कर रहे हैं। मैं आपके ध्यान में ये भी लाना चाहता हूं कि क्या आप ये जानकर के हैरान होंगे कि 2014 में दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार के जाने के पीछे कांग्रेस ने सब्जियों और फलों के लिए कृषि बाजार सुधार में कमी को जिम्मेदार बताया था। 2014 के तो दिल्ली में जो शीला दीक्षित के सरकार के पीछे जो है ये कारण बताया था। उसी तरह से मुझे इस बात को लेकर के भी हैरानी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो कृषि सुधार बिल पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दोगला चरित्र वो भी हमारे सामने आया है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार जब यूपीए सरकार में देश के कृषि मंत्री थे, तब ये कृषि सुधारों को लागू करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे थे। और आज पूरा जो है जो उन्होंने उस वक्त कहा, जो उन्होंने आग्रह की, जो अपने बातें कही, उन सारी से जो है यू टर्न लेकर के जो है वो केंद्र सरकार को, आदरणीय मोदी जी को नसीहत देने की बात कर रहे हैं। शरद पवार ने अगस्त 2010 से नवंबर 2011 के बीच सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और उन्होंने बार बार मॉडल एपीएमसी एक्ट को लागू करने और स्टेट एपीएमसी एक्ट में संशोधन के लिए कहा था। यह शरद पवार जी ने कहा था। जब हमारी सरकार ने किया तो अब उसका विरोध कर रहे हैं। ये बहुत विचित्र, इस तरह से मतलब बहुत विचित्र परिस्थिति है। अगस्त 2010 में लिखी चिट्ठी में शरद पवार ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत के ग्रामीण इलाकों में कृषि क्षेत्रों के संपूर्ण विकास, रोजगार और आर्थिक प्रगति के लिए बेहतर मार्केट की जरूरत है और इस जरूरत को मॉडल एपीएमसी एक्ट पूरा करता है। मित्रों, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि मई 2012 में तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार का राज्यसभा में एक औपचारिक जवाब भी दर्ज हुआ और इसमें उन्होंने
खुलकर एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स का समर्थन किया था और उन्होंने कहा था कि कुछ सिफारिशें पहले ही स्वीकार की जा चुकी हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट के उदारीकरण का प्रस्ताव। हमने सभी राज्यों को सहकारिता के सहकारिता मंत्रियों से एपीएमसी एक्ट को में संशोधन करने का अनुरोध किया है और यहां तक कि उस वक्त यह कहा था उन्होंने कि अगर जो राज्य हैं जिनको हम ये इस प्रकार से इस कानून को लागू करने के लिए कह रहे हैं, संशोधन करने के लिए कह रहे हैं, अगर वो अपने अपने राज्यों में लागू नहीं करते हैं तो उस सूरत में उनको आर्थिक मदद केंद्र से जो है देने में हमारी जो है हमारी व्यवस्था होगी, कठिनाई होगी, हम उनको मदद नहीं कर पाएंगे। और उसी संदर्भ में मैं आगे भी कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के संदर्भ में थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूं। आज बड़ा विचित्र लग रहा था, मैं देख रहा था दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है उनके स्वागत अभिनंदन के लिए जो है उनके व्यवस्था से संबंधित जो है जो दिल्ली आ रहे हैं उनकी व्यवस्था की चिंता कर रहे हैं, आंदोलन में जो भाग लेकर के दिल्ली पहुंच रहे हैं, खुद जाकर के वो उसका निरीक्षण कर रहे हैं, करने के लिए जा रहे हैं। मैं उस संदर्भ में यही कहना चाहता हूं कि किसानों के आंदोलन से आज दिल्ली वाले ही सबसे ज्यादा परेशान है, लेकिन दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की पार्टी ही किसानों को भ्रमित करने और भड़काने में सबसे आगे है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो है दोहरा जो एक चेहरा है वो जग जाहिर हुआ है। इसी तरह से मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो भारत बंद का आगे बढ़कर समर्थन करने वाले केजरीवाल की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। और एक तरफ तो आम आदमी नए कृषि कानूनों का विरोध कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसने इस कानून को 23 नवंबर को ही लागू कर दिया, 23 नवंबर को ही लागू कर दिया, ये भी आपको बताऊं, और उसकी सूचना भी जारी कर दी। और एक और मित्र हैं योगेंद्र यादव जो स्वराज पार्टी से किसान आंदोलन में घुसकर चेहरा चमकाने के लिए, क्योंकि पहले वो आम आदमी पार्टी से में थे, वहां से निकाल दिए गए, उसके बाद अब भारत बंद का जो ऐलान करने में जो उसमें वो भी अपनी जमीन तलाशने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये स्वराज पार्टी बनाने वाले योगेंद्र यादव कुछ समय पहले तक कृषि सुधारों के नाम पर मोदी सरकार को घेरते थे, आज वो कृषि सुधार किए जाने के बाद किसानों को न केवल भड़काने में जुटे हैं बल्कि भारत बंद के नाम पर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को भी रोकने पर जो है वो आमदा हुए पड़े हैं। इसी तरह से आगे बढ़ करके मैं ये भी मैं कहना चाहता हूं, अकाली दल, मैं सबकी भूमिका आपके सामने इस प्रकार से रख रहा हूं। अकाली दल की अगर हम बात करें, कृषि सुधार कानूनों पर अकाली दल का आज जो रवैया है वो कुछ दिनों पहले तक नहीं था। 12 दिसंबर 2019 को एग्रीकल्चर पर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में अकाली दल के सांसदों के बोल कुछ अलग तरह के थे। उस दिन उन्होंने कहा था कि एपीएमसी भ्रष्टाचार और राजनीति का अड्डा बन चुकी है और वहां बिचौलियों और दलालों का बोलबाला रहता है। यही नहीं, उन्होंने कहा था कि एपीएमसी किसानों के हित में नहीं है। और इसके बाद 3 जून 2020 को जब इस अध्यादेश को लाया गया तब भी अकाली दल सरकार के उस फैसले के साथ था। अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर उस निर्णय का हिस्सा थी, शी वॉज पार्ट ऑफ दैट डिसीजन जब वो निर्णय लिया गया था। उस समय अकाली दल ने कोई विरोध नहीं किया था, लेकिन आज अकाली दल के सुर एकदम अलग हुए पड़े हैं। महज राजनीति जब जो उनके जो जमीन खिसकती नजर आ रही है उस दृष्टि से। इसे आगे बढ़कर के मैं थोड़ा समाजवादी पार्टी के बारे में भी कहना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी भी अपने सियासी रोटियों को सेंकने में इस दौर में पीछे नहीं है।
वो भी उस पर बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है। लेकिन जब संसद की स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा हो रही थी, तब समाजवादी पार्टी के सांसद मुलायम सिंह, जो सबसे वरिष्ठतम नेता है उस दल के, का रुख जो है वो अलगता रखा था। 12 दिसंबर 2019 को एग्रीकल्चर पर स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक मुलायम का बयान समाजवादी पार्टी के दोगलेपन को प्रदर्शित करता है। मुलायम ने तब सुझाव देते हुए एपीएमसी की आलोचना की थी और कहा था कि इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़कर के कहें जो हमारे जो कम्युनिस्ट भाई हैं, इनका तो स्वभाव है कि आंदोलन जहां भी दिखता है वहां झंडा लेकर के पहुंचने का इनका स्वभाव। और इसमें भी इसी प्रकार से, क्योंकि पूरे देश भर में कुछ राज्यों में कभी हुआ करते थे, वो राज्य एक एक करके निकल गया। वेस्ट बंगाल में लंबे समय तक इनकी सत्ता रही, वहां ममता ने इनको सत्ता से बाहर कर दिया। अब ममता भी इस दौर में से जो है वो, जहां सीपीएम सीपीआई का साम्राज्य समाप्त होने के बाद अपना साम्राज्य बनाना चाह रही है, उसमें भी वो उसकी भी भूमिका जो है वो इस संघर्ष में जो है और तरह की दिख रही है। इस दौरान जो है वो लेफ्ट पार्टियों को का जो जहां पूरे देश भर में कुछ सरकारों पर जो प्रभाव था, यूपीए सरकार के दौरान कृषि सुधार को लेकर के योजना आयोग की रिपोर्ट में बड़े बड़े सुझाव दिए थे इनने, लेफ्ट पार्टीज ने। और पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के लिए एपीएमसी मंडियों को हटाने की बात कही गई थी, जिसका कुछ राज्य सरकारों ने भी पालन करना शुरू कर दिया था। लेकिन आज लेफ्ट राजनीति के लिए किसानों का नुकसान करने पर जो है वो आमदा हुए पड़े हैं। कुल मिलाकर के मित्रों, मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं, जहां इस आंदोलन को लेकर के जो लोग इस प्रकार का एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसानों के विरोध में है, किसानों के हित में नहीं है, सही मायने में जो तस्वीर किसानों के बीच में इन्हें रखने की कोशिश की है, उस तस्वीर से हट करके जो है जो वास्तविकता वो बहुत अलग है। इसमें किसी तरह से भी कोई भी बात किसानों के अहित में नहीं है, सब बातें किसानों के हित में है। और मैं ये भी जरूर कहना चाहता हूं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर बात कही गई थी तो 2007 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और 2007 से 2012 तक जो है बहुत सारे स्टेट में जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के इस कॉन्सेप्ट को पायलट के रूप में आगे बढ़ाने के लिए कहा गया। और जितने भी स्टेट में जहां जहां भी कांग्रेस की उस वक्त गवर्नमेंट थी, बहुत सारे स्टेट में उस वक्त गवर्नमेंट थी, उसमें जो है चाहे आंध्र है, आसाम है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बहुत सारे स्टेट थे उसमें, वहां पर जो है उसमें पायलट बेस पे जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत हो गई थी। लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट एनडीए की नहीं थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी, इस बात को भी स्पष्ट होने की बात है। और मैं इस बात को लेकर के भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसानों की ना तो जमीन बिकेगी जो एक प्रचार किया जा रहा है, ना ही जमीन लीज पर दी जाएगी और ना ही जमीन जो है बंधक होगी, ये बड़ा स्पष्ट इसमें है। किसानों को सही मायने में अपने प्रोडक्ट की, अपनी फसल की सही कीमत मिले, बीज के बिचौलिए के बिना मिले, जहां जिस मार्केट में उसको जेन्युइन रेट मिलता है, बेहतर रेट मिलता है, वहां जाकर के अपनी अपनी फसल को वो बेच सके, अच्छे दाम पर बेच सके, इस बात को लेकर के ये बिल जो है आगे लाया गया है। और बहुत विचित्र परिस्थिति है कि इन सारी बातों को जहां जिस रूप में लोगों के सामने रखने के लिए सब लोगों को जो किसान की हित की बातें थी प्रयत्न करना चाहिए था,
अनावश्यक रूप से राजनीतिक मकसद के साथ, राजनीतिक लक्ष्य के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया है। और मैं फिर से कहूंगा, ये किसान आंदोलन ना हो करके एक राजनीतिक आंदोलन आदरणीय मोदी जी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ करने की कुछ लोगों की कोशिश है। क्योंकि एक अफसर उनको ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करके जो है उनको जो है इस आंदोलन का हिस्सा हम बना सकते हैं और वो एक बहुत बड़ी जो है उनकी उसमें बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी। मैं इस बात को भी बड़ा स्पष्ट करना, कोई इसी प्रकार से प्रयत्न किया गया था शाहीन बाग में भी, जहां से जहां बहुत सारे दल चोरी छुपे पीछे से कुछ सामने आकर के एकमात्र एक लक्ष्य के साथ कि भाई केंद्र सरकार को मोदी जी के नेतृत्व को चुनौती देनी है, लेकिन नहीं हो पाया। और मैं इस बात को लेकर के भी बड़ा हैरान था कि जिस प्रकार से किसानों के लिए काजू की व्यवस्था, जो सारी चीजों को लेकर के वो किशमिश की व्यवस्था की जा रही है उनके लिए, तो किसान किस प्रकार का होता है, उनकी उनके उनका जीवन किस प्रकार का होता है, और इसके पीछे जो लोग इस आंदोलन को बल देने की कोशिश कर रहे हैं, इसको फाइनेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको राजनीतिक मकसद से कर रहे हैं, और जो कभी भी पूर्ण नहीं होगा। अभी हाल में बिहार का चुनाव इसका एक बहुत बड़ा प्रतीक है। बिहार में सब दल एक तरफ, महागठबंधन जिसका नाम दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद उसमें यही तय किया गया था कि अगर मोदी जी को रोकना है, एनडीए को रोकना है, बीजेपी को रोकना है, तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। सब इकट्ठा हुए, परिणाम फिर एनडीए की सरकार बिहार में भी बनी। इसलिए मित्रों, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। आदरणीय मोदी जी के मन में किसानों के लिए, बागवानों के लिए बहुत बड़ा सम्मान है, और इसलिए उन्होंने हमेशा इस बात को कहा है कि देश की आबादी का 80% हिस्सा जो गांव में रहता है वो किसान है, बागवान है, और उनकी आर्थिकी को मजबूत किए बिना, उनको ताकत दिए बिना देश समृद्ध नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने एक लक्ष्य के साथ बात कही थी कि हम चाहते हैं कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लिए हमको प्रयत्न करना है, और उस काम में हम लगे हैं। तो मैं आपके बीच में यही कहना चाहता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्य है कि राजनीतिक मकसद के साथ इस किसान आंदोलन को एक रूप दिया जा रहा है, स्वरूप दिया जा रहा है, जिसमें लक्ष्य इनका है कि मोदी जी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ एक माहौल खड़ा किया जाए। मैं समझता हूं कि उसमें आज से पहले जितने भी उदाहरण है सफलता नहीं मिली है उसमें, और इसमें भी वो सफल नहीं होंगे। मेरा आप सबके माध्यम से अपील भी है सभी प्रदेशवासियों से, कल का जो बंद है, ये बंद जो है किसान के हितों के मुद्दे को लेकर के नहीं है, सिर्फ राजनीतिक मकसद की दृष्टि से है, तो इसलिए बंद का हिस्सा हम ना बने, ये भी मुझे साथ में अपील करनी है। सर, आपने आज अधिकारियों के साथ बैठक